मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये दिला दो, पापा मुझे मुझे वहां जाना है, पापा मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, पापा मुझे ये दिला दो, राइट। और हम हर चीज के लिए ओके हाँ ठीक है बस यही करते हैं। कभी ना कहा है आपने? नहीं, कभी मैंने भी ना नहीं कहा, राइट। तो हम यही गलती करते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है हम सही कर रहे हैं? नहीं, हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी तकलीफ ना हो, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी कोई चीज के लिए संघर्ष ना करे। ये जो सोच है हमारी सबसे बड़ी गलती है। यू नो, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, ये जो संघर्ष है इंसान को मजबूत बनाता है, और जो मजबूत है वही सर्वाइव कर सकता है। ओनली द फिटेस्ट पर्सन कैन सर्वाइव ऑन दिस। संघर्ष आपको सफलता दिलाए ना दिलाए, लेकिन मजबूत जरूर बना देगा, और ये बहुत जरूरी है जीवन में, राइट। तो प्लीज दोस्तों, वॉच दिस वीडियो, वी हैव कम विद अ स्टोरी, अ बॉय एंड द कोकून। ये स्टोरी आप लास्ट तक वॉच करो, आपको और हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, संघर्ष स्ट्रगल क्या होता है और क्यों जरूरी है लाइफ में, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस कर दो, सो दैट आपको नेक्स्ट संडे का वीडियो भी आपको मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। रमेश एक 10 साल का बच्चा गार्डन में टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर अचानक एक पत्ते पर पड़ी। उस पत्ते पे उसने देखा कि 3-4 कोकून लटक रहे थे। ये कोकून बटरफ्लाई का बच्चा इसमें से बाहर आता है और उड़ जाता है, राइट। तो इस कोकून को उसने ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि पहला कोकून फूटा और उसमें से तितली का बच्चा बाहर आया, अपने पंख फैलाया और उड़ गया। दूसरा कोकून फूटा, इसी तरह ब्रेक हुआ और तितली का बच्चा बाहर आके उड़ गया। तीसरा भी थोड़ी देर हुई लेकिन वो ब्रेक हुआ और तितली का बच्चा बाहर आया, अपने पंख को पकड़ाया उसने और उड़ गया। उसने देखा कि ये जो फोर्थ कोकून है वो कब से हिल रहा है लेकिन फूट नहीं रहा है, कहीं भी कुछ ब्रेक होने के चांस नहीं दिख रहे। तो उसे ऐसा लगा कि जो अंदर जो तितली का बच्चा है उसको तकलीफ हो रही हो, बाहर आने की कोशिश कर रहा लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसने सोचा चलो मैं मदद कर दूं इसको भी उड़ने में, है। तो उसने क्या किया, झट से एक लकड़ी ले आया और फिर उसने उस कोकून को ब्रेक किया। कोकून ब्रेक होते ही अंदर का जो बच्चा है वो बाहर आया। जैसे उसने सोचा वैसे वो बच्चा उड़ा नहीं, वो तितली का बच्चा जो है उसका जो चेहरा जो है फुला हुआ था, उसका बॉडी फुली हुई थी और वो यहाँ वहाँ तड़पने लगा। उसको आश्चर्य हुआ ये क्यों उड़ नहीं रहा है, वो पत्ते पे यहाँ से वहाँ रेंगने लगा लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा, और ऐसे ही रेंगते रेंगते वो बच्चा थोड़ी देर में मर गया। दोस्तों, रमेश मदद करना चाहता था लेकिन वो उस बच्चे की जान लेके बैठा, उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने जाकर अपने पापा से पूछा, उसने पापा को पूछा कि पापा मैंने तो मदद करने की कोशिश की, उसको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने हेल्प किया, लेकिन वो तो मर गया। तो उनके पापा ने उसको समझाया कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जब उस कोकून से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस स्ट्रगल के दौरान उसके जो बॉडी में जो फ्लूड होते हैं ना, वो फ्लूड उसके बॉडी से पंख की तरह स्प्रेड होते हैं, और पंख की तरफ जब स्प्रेड होता है तो उसका पंख मजबूत हो जाता है, और इस तरह वो जब कोकून तोड़ के बाहर आता है उसके पंख इतने मजबूत हो जाते हैं कि उसके बॉडी के वेट को वो उठा सके और वो उड़ने लगता है। आपने उस फ्लूड स्प्रेड होने से पहले ही कोकून को तोड़ दिया, आपके हिसाब से वो मदद है, और लेकिन उसके लिए वो जानलेवा साबित होते हैं। पिताजी ने समझाया कि कभी कभी स्ट्रगल बहुत जरूरी है, स्ट्रगल इंसान को हर जीवन को मजबूत बनाता है, और जो मजबूत इंसान मजबूत जीवन कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों, यही मैं भी इस स्टोरी से कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल इज इनएविटेबल, स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल इज अनअवॉइडेबल, राइट। द स्ट्रगल विल मेक यू स्ट्रांग, the struggle whether it brings success or not
बट इट विल मेक यू स्ट्रांग, इट विल मेक यू फिटेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर इस स्ट्रगल को आप पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे ना, तो स्ट्रगल देता है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ देता है सक्सेस, एस एस एस। और अगर इसी स्ट्रगल को आप नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, हार मान जाते हैं, तो स्ट्रगल आपको देता है स्ट्रेस और स्ट्रेस हमेशा फेलियर देता है। ये बन जाता है एस एस एफ। ओके, तो दिस इज हाउ यू लुक एट इट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से रखिए, देखिए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से एक्सेप्ट कीजिए स्ट्रगल को और सक्सेसफुल बनिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको हमारा नेक्स्ट संडे का वीडियो आपको मिले। ओके, बाय बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस संडे।